दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के एक ऐलान के बाद पूरे ही जापान के डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम हाई अलर्ट पर आ गए हैं। साथ में जापान की तरफ से नॉर्थ कोरिया को खुल्लम खुल्ले धमकी देते हुए ये भी बोला गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ भी गलती की गई तो हम नॉर्थ कोरिया के लॉन्च व्हीकल को तुरंत ही शूट कर देंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम 31 मई से 11 जून के बीच अपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी बात को देखते हुए जापान ने नॉर्थ कोरिया को बोला है कि इस लॉन्चिंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया का लॉन्च व्हीकल हमारी सीमा के अंदर से होता हुआ गुजरा तो उस कंडीशन में हम नॉर्थ कोरिया के इस लॉन्च व्हीकल को तुरंत शूट कर देंगे। ये धमकी जापान की तरफ से इसलिए भी दी गई है क्योंकि पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई मिसाइलों के बैक टू बैक परीक्षण किए गए थे और इन परीक्षण में नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपनी सबसे खास मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। और जापान की तरफ से बताया गया है कि पिछले साल भी नॉर्थ कोरिया ने 4 बार हमारे देश के ऊपर से अपनी मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। और नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, नॉर्थ कोरिया ने इस सैटेलाइट को स्पेशली अपनी मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया है। इसी बात को देखते हुए जापान के रक्षा मंत्रालय ने नॉर्थ कोरिया को बोला है कि टोक्यो नॉर्थ कोरिया से ये उम्मीद करता है कि इस परीक्षण को काफी सावधानी से किया जाए और परीक्षण के दौरान नॉर्थ कोरिया अपने इस लॉन्च व्हीकल को हमारे देश की सीमा के पास में ना लाए। और अब कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो ये सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, ये एक सीक्रेट सर्विलेंस का हिस्सा होगी। और नॉर्थ कोरिया ने इस सैटेलाइट को इस तरीके से बनाया है कि अगर कोई भी देश नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो नॉर्थ कोरिया को इस सैटेलाइट का ये फायदा होगा कि ये सैटेलाइट पहले ही बता देगी कि किसी देश ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कितना डिप्लॉयमेंट किया है। साथ में जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी बोला है कि अगर ये लॉन्च व्हीकल हमारी सीमा के पास से आता है तो हम इसको अपनी स्टैंडर्ड 3 और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मदद से इस लॉन्च व्हीकल को तबाह कर देंगे। साथ में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बोला गया है कि जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये लॉन्चिंग की जा रही है, ये यूएन के प्रस्तावों का उल्लंघन है और नॉर्थ कोरिया को फिलहाल इस परीक्षण से बचना चाहिए।